किसानों का सबसे ज्यादा हंगामा आज अंबाला में देखने को मिला। अंबाला के शंभ बॉर्डर से देखिए न्यूज नेशन संवाददाता विशाल ठाकुर की ये रिपोर्ट। पंजाब के किसानों ने दिल्ली कूच किया है और आज इसी के चलते जो पंजाब के किसान हैं वो शंभू बॉर्डर होते हुए दिल्ली जा रहे हैं। अभी हम जो ट्रैक्टर्स हैं, जो ट्रैक्टर रैली के माध्यम से वो दिल्ली पहुंचने की कोशिश करें, उसी ट्रैक्टर में हम मौजूद हैं और हमारे साथ देख सकते हैं आपकी जो किसान है, खासकर यूथ किसान जो है वो हमारे साथ जुड़ा है, उनसे बात करेंगे। आपको यहाँ पर रोका गया, जिस तरह से किसानों ने कहा कि हम जहाँ आप रोकेंगे हम वहीं डेरा लगा देंगे, यहाँ से तो फिलहाल आप चल पड़े हैं, आगे रोकते हैं तो क्या आपकी योजना रहेगी? हमें कहीं भी रोकते हैं वहीं हम बैठ जाएंगे। हमारे पास 6 महीने का साल का राशन है, हम वहाँ पर कोई जहाँ भी हमें वहाँ पर बैठे अपना रोष प्रदर्शन करेंगे। जो हमारे खिलाफ इन्होंने किसान मारू कानून बनाए हैं उनका विरोध करते हुए हम दिल्ली जा रहे हैं। आप आगे बढ़ रहे हैं तो करनाल में भी जो पहले से किसान है वहाँ पर जब आप सब मिल जाएंगे तो वहाँ और उग्र प्रदर्शन होगा? हाँ जी, जेड़ा कुछ है सारा कुछ दुनिया के सामने, पर शांति प्रदर्शन रहेगा, कोई हुल्लड़बाजी नहीं की जाएगी। अच्छा। अब जो है आप शंभू बॉर्डर क्रॉस होते अंबाला होते हुए करनाल पहुंच रहे हैं, करनाल में जो है वो पुलिस का कड़ा पहरा है, तो क्या अगर आपको वहां रोकते हैं तो वहीं पर रहेंगे या आपकी क्या योजना रहेगी आगे? हम किसान हैं, ठीक है, किसान आगू जैसे कहेंगे, बुजुर्ग कहेंगे वैसे चलेंगे। हम कानून की पालना करते हैं, हम कानून हाथ में नहीं लेते, पर फिर भी हमारे सरकार धक्का करती है, खट्टर सरकार हमारे साथ धक्का करती है, हम धक्का नहीं सहेंगे। तो अब जिस तरह से देखा जा रहा है कि आप दिल्ली जाकर रहेंगे? हाँ जी जरूर रहेंगे जी, दिल्ली पहुँचेंगे, दिल्ली जरूर पहुँचाएंगे जी, जिम्मे दिल्ली का रुख है, पक्का है दिल्ली पहुँच के रहेंगे जी, पक्का, जो भी हो जाए दिल्ली जाएंगे। तो जिस तरह से देखा जा रहा है जो पंजाब के किसान हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि दिल्ली जाके रहेंगे। करनाल में किसानों का भारी हंगामा हुआ है, करनाल में किसान और पुलिस में झड़प हुई, पंजाब से दिल्ली आ रहे किसानों का बवाल हुआ है। दरअसल आपको बता दें किसानों ने बैरिकेडिंग तक तोड़ डाली है, करनाल में किसान जो है काफी उग्र हो गए हैं और काफी ज्यादा हंगामा हुआ, पुलिस के साथ तीखी झड़प हुई और वहां पर किस तरह से बैरिकेडिंग जो उनको रोकने के लिए लगाई गई थी उसको भी तोड़ते हुए किसान जो है आगे बढ़ गए हैं। रोकने पर किसानों ने बैरिकेडिंग जो है तोड़ दी है, किसानों ने अपने मंसूबों का साफ ऐलान कर दिया है कि दिल्ली तो कुछ करके रहेंगे। आप देखिए कि किस तरह से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था किसानों को रोकने के लिए, लेकिन ऐसा लगा नहीं कि उन पर इस ठंड के मौसम में भी वाटर कैनन का कोई असर हुआ। वाटर कैनन की तीखी धार आपके शरीर पर आकर चुभती है, लेकिन इंसान है और शरीर भी जो है वो मेहनत का शरीर है, तो ऐसे में आप देखिए कि किस तरह से वाटर कैनन की बौछारें भी उनके हौसलों को डिगा नहीं सकी और उसके बाद किस तरह से बैरिकेड जो उनको रोकने के लिए लगाए गए थे उनको धक्का देते हुए किसान जो है वो आगे बढ़े। और यकीनन ऐसी स्थिति में पुलिस का काम था, उनकी ड्यूटी थी किसानों को रोकना, तो उन्होंने फिर हल्का बल भी देखिए कि किस तरह से एक झड़प भी हुई है दोनों की आपस में। करनाल में भी किसान जो हैं वो दिल्ली कूच के लिए पुलिस के आमने सामने हो गए हैं। आप देख सकते हैं किसान और जवान एकदम आमने सामने नजर आ रहे हैं। यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई थी ट्रक्स के जरिए कि इनको किसानों को रोका जाए, लेकिन यहाँ पर वो बेअसर नजर आती है, दिख रही है काफ़ी दूर से इनको पहले रोक दिया गया था, लेकिन अभी स्थिति जो आप देख सकते हैं यहाँ पर पहुँच चुके हैं किसान और ये इनका साफ तौर पर कहना है कि वो तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि दिल्ली नहीं पहुंच जाते। ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये देखिए ट्रैक्टर के जरिए जो है वो खींचने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर, और मेरी ये तस्वीरें देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रही हैं किस तरीके की स्थिति है। और इनका कहना है कि जब तक तीनों कानून जो बने हैं कृषि बिल उनको नहीं लिया जाता वापस तब तक नहीं होगा। ये ड्रोन देख सकते हैं आप, ड्रोन से भी नज़र रखी जा रही है, जो तमाम लोग यहाँ पर हैं किसान उन पर ड्रोन से नज़र रखी जा रही है। और अभी इन लोगों का कहना है कि ये दिल्ली जाकर ही रुकेंगे, उससे पहले ये किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं है। और इन्हीं मुद्दों को लेकर कि जब तक कृषि बिल वापस नहीं होते तीनों के तीनों, तब तक किसी से बात करने को तैयार नहीं है। प्रशासन से ये तभी बात करेंगे, इनका कहना है कि जब ये तीनों कृषि बिल वापस हो जाएंगे, वरना तब तक ये दिल्ली कूच करने की बात पर पूरी तरीके से अड़े हुए हैं और यहाँ पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, करनाल।